हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं ऑफिस के लिए, या फिर अगर आप घर पे एक कंप्यूटर रखना चाहते हैं बहुत ही लो प्राइस के अंदर, तो आज का वीडियो आप ही के लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं इसका बजट है ओनली 7,000 रुपीज। आपको ये सब कंपोनेंट्स शॉप में या फिर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो कहीं पे भी आपको प्रोडक्ट सेम प्राइस में ही मिल जाएगा। आप चाहे तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, दोनों में से कोई भी एक मीडियम चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो कैबिनेट यूज करने जा रहे हैं वो है फॉक्सिन का कैबिनेट। तो दोस्तों, ये जो फॉक्सिन का कैबिनेट है ये मेरे वेबसाइट यानी trexplus.com में अवेलेबल है। आप चाहे तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और इसके साथ हम यूज करने जा रहे हैं 450 वाट का ज़ेब्रोनिक का एक SMPS, क्योंकि इस पीसी बिल्ड का बजट बहुत ही कम है, इसलिए हमने लो बजट के अंदर 2 साल का वारंटी वाला एक मदरबोर्ड परचेस किया है। वो है पावर एक्स का PMB G41 DDR2 मदरबोर्ड, और इसके अंदर हम इंटेल का एक पेंटियम प्रोसेसर यूज करने जा रहे हैं, जो आपको ड्यूल कोर प्रोसेसर में मिल जाएगा कहीं पे भी। इस प्रोसेसर का प्राइस लगभग 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के अंदर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्रोसेसर के साथ कोई भी एक्स्ट्रा कूलिंग फैन नहीं आता है, इसलिए मैं इसके अंदर यूज करने जा रहा हूँ ज़ेब्रोनिक्स का 775 CPU कूलर। और दोस्तों, ये जो कूलर है ये लगभग आपको 200 से लेकर 300 रुपए के अंदर कहीं पे भी मिल जाएगा। और इसके साथ हम यूज करने जा रहे हैं कॉन्सिस्टेंट का 2GB DDR2 रैम। दोस्तों, ये जो रैम है इसका वारंटी आपको 3 साल का मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया रैम है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो पीसी है, इस पीसी के अंदर जैसे कि हम नॉर्मल टास्क करेंगे, जैसे कि यूट्यूब हो गया या फिर कुछ हम डॉक्यूमेंट्स ओपन करने की बात कर ले, तो उन टास्क के लिए 2GB रैम इनफ है। तो आप इस रैम को भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसे आप 2 स्टिक ले सकते हैं 2GB का, जिससे होगा कि आपके कंप्यूटर में 4GB रैम हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, हम यूज करने जा रहे हैं इस बिल्ड के अंदर 500GB हार्ड डिस्क। दोस्तों, ये सीगेट का हार्ड डिस्क है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल हार्ड डिस्क है ये। दोस्तों, हम इस बिल्ड के अंदर SSD यूज ना करके हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पीसी ऑफिस या फिर हम घर के लिए यूज करने जा रहे हैं। जैसे कि बजट है बहुत ही कम, तो कम बजट के अंदर थोड़ा ज्यादा मेमोरी लेने के लिए हमने SSD को चूज नहीं किया, हमने हार्ड डिस्क चूज किया है। हालांकि दोस्तों, इस पीसी के अंदर हम जो मदरबोर्ड यूज करने जा रहे हैं, इस मदरबोर्ड के अंदर आपको 4 SATA पॉइंट्स मिलता है, जिसके अंदर आप 4 हार्ड डिस्क या फिर 4 SSD आप लगा सकते हो। फिलहाल तो मैं इसके अंदर हार्ड डिस्क लगा रहा हूँ। आप चाहे तो SSD लगा सकते हैं या फिर SSD और हार्ड डिस्क दोनों ही इसके अंदर लगा सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स का बेस्ट बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके इन प्रोडक्ट्स को कभी भी आपके हिसाब से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पीसी बिल्ड का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह दोस्तों, मैं आज कैबिनेट ओपन नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं कैबिनेट के अंदर SMPS इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि कैबिनेट बार बार मैं ओपन करना दिखाता हूँ तो उसमें वीडियो 1-2 मिनट ज्यादा लंबा हो जाता है। तो मैंने इस वीडियो में उस स्टेप को स्किप किया है। अभी मैं कैबिनेट के अंदर जो SMPS लगाया है उसको मैं अच्छी तरीके से स्क्रू की मदद से टाइट कर दूंगा। टाइट होने के बाद SMPS कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कैबिनेट के अंदर। तो अभी मैं मदरबोर्ड को अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये जो PowerX का मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के साथ हमें एक SATA केबल, एक IO शील्ड, ड्राइवर डिस्क, कुछ यूजर मैनुअल गाइड और आखिर में हमारा मदरबोर्ड मिल जाएगा। एक और बात दोस्तों, इस मदरबोर्ड के अंदर आपको हर तरीके का पोर्ट मिल जाएगा, जैसे कि USB पोर्ट, VGA पोर्ट, 3.5mm जैक और कुछ SATA पोर्ट भी मिल जाएगा इसके अंदर। तो जैसे कि दोस्तों, मैं इस पीसी को बिल्ड कर रहा हूँ एकदम ही कम प्राइस के अंदर, तो मैं इस बिल्ड के अंदर यूज कर रहा हूँ पेंटियम प्रोसेसर, जो कि दोस्तों 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के अंदर कोई भी कंप्यूटर शॉप या फिर ऑनलाइन से भी आप परचेस कर सकते हो। इन सभी का बेस्ट बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस प्रोसेसर के साथ आपको कोई भी एक्स्ट्रा कूलिंग फैन मिलता नहीं है, तो मैं इस बिल्ड के अंदर ज़ेब्रोनिक्स का 775 कूलिंग फैन यूज करूंगा। और इस ज़ेब्रोनिक्स फैन के साथ आपको एक हीट सिंक जेल भी मिल जाएगा, जिसको मैं अभी प्रोसेसर के ऊपर अप्लाई करूंगा और उसके बाद CPU फैन को मैं मदरबोर्ड के अंदर लगाऊंगा।
अभी दोस्तों हम इस बिल्ड के अंदर 2GB का ही रैम लगाने वाले हैं। तो रैम में इस बिल्ड के अंदर यूज करने जा रहा हूँ कॉन्सिस्टेंट का 2GB रैम, वो भी दोस्तों 800 मेगाहर्ट्ज़ का, जो कि दोस्तों इस बजट के अंदर सबसे हाई स्पीड रैम है। आप चाहे तो इस बिल्ड के अंदर आपके बजट के हिसाब से एक और रैम लगा सकते हैं। तो चलिए जल्द से जल्द रैम के जो बॉक्स है उसको करते हैं ओपन और रैम को लगाते हैं मदरबोर्ड के अंदर। तो हमने तो रैम को रैम के बॉक्स से बाहर निकल लिया है, तो चलिए जल्द से जल्द इसको मदरबोर्ड के अंदर सेट कर लेते हैं। तो जितनी देर तक मैं मदरबोर्ड के अंदर रैम को सेट कर रहा हूँ, आप उतने देर तक जल्द से जल्द वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अभी दोस्तों मदरबोर्ड के अंदर हम फैन का कनेक्शन करेंगे और उसके बाद हमारा पूरा मदरबोर्ड एकदम तैयार हो जाएगा कैबिनेट के अंदर लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर लगाने से पहले हमें सबसे पहले जो बॉक्स के अंदर आईओ शील्ड मिला था उसको लगाना पड़ेगा। तो कैबिनेट के अंदर आईओ शील्ड लगने के बाद कैबिनेट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और अभी हम मदरबोर्ड का सेटअप अभी कैबिनेट के अंदर करेंगे, लेकिन उससे पहले कैबिनेट के साथ हमें कुछ गोल्डन स्क्रू मिले थे, उनको पहले कैबिनेट के अंदर टाइट देना पड़ेगा अच्छी तरीके से, उसके बाद ही हम मदरबोर्ड को लगा सकते हैं। इस बिल्ड के अंदर हमने फॉक्सिन का कैबिनेट यूज किया है। फॉक्सिन के जो कैबिनेट है इनके अंदर पहले से गोल्डन स्क्रू लगा हुआ होता नहीं है, लेकिन अदर्स ब्रांड के अंदर होता है। तो अभी हम कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड को लगाएंगे। मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से टाइट देने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों नॉर्मली मैं हर वीडियो में आपको SMPS का कनेक्शन और SMPS के साथ जो वायर्स आते हैं और कैबिनेट के अंदर फ्रंट पैनल का जो वायर्स है उनका कनेक्शन आपको करना हर वीडियो में दिखाता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो पहले से बहुत लंबा हो चुका है। इस वीडियो को मैं शॉर्ट से शॉर्ट रखना चाहता हूँ, तो अभी के लिए मैं इस स्टेप को बाईपास करके आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा। अभी दोस्तों इस पीसी बिल्ड का लास्ट और फाइनल स्टेप मैंने बाकी रखा है, वो है हार्ड डिस्क को इसके अंदर लगाना है। तो हार्ड डिस्क को लगाने के लिए कैबिनेट के साथ कुछ स्क्रू अलग से दिया गया है, उनकी मदद से मैं हार्ड डिस्क को टाइट दूंगा। और मदरबोर्ड के बॉक्स के अंदर एक SATA केबल मिला था मुझे, तो इस SATA केबल को मैं इस मदरबोर्ड के अंदर पीसी बिल्ड में यूज करूंगा। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द हार्ड डिस्क को कैबिनेट के अंदर लगा के इसका कनेक्शन भी कर डालते हैं। लीजिए दोस्तों अभी हमारा काम एकदम कंप्लीट हो चुका है, हमारा पीसी एकदम तैयार हो चुका है सॉफ्टवेयर डालने के लिए। सॉफ्टवेयर डालने के बाद इसे लगाएंगे और उसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन टेबल पे हम इसको लेके जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आज आपने देखा कितने कम बजट के अंदर हमने आज एक बेहतरीन पीसी बिल्ड किया है फॉर ऑफिस और स्टडी के लिए। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए आज के इस वीडियो को, और अगर आपको इन सभी प्रोडक्ट्स को परचेस करके एक पीसी बिल्ड करना है आपके खुद के लिए, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप इन सभी प्रोडक्ट्स को परचेस करके आपके हिसाब से आपका पीसी बना सकते हो। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आपका कोई दोस्त ऐसे ही पीसी बिल्ड में इंटरेस्ट रखता हो तो हेल्प कीजिए आपके दोस्त को इस वीडियो को शेयर करके। और हाँ दोस्तों नीचे कमेंट कर दीजिए आज के इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।